I'm back. Welcome to my channel. My name is Nupta. आप सभी कैसे हैं? I hope सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. ऐसे बैठ के मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ. आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कंगना रनौत वाला हेयर स्टाइल बताऊँ, वो भी हीटलेस वे में. तो कंगना रनौत के जैसे कर्ल्स हैं वो मैं नो हीट मेथड में आज आपको बताने जा रही हूँ. ये एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ करने के लिए, लेकिन हो इसलिए नहीं पा रहा बिकॉज इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है. मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है इस हेयर स्टाइल को बनाते समय, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो फाइनली मैंने सोचा कि आज मुझे करना ही होगा बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे बोला जा रहा है ये वाला हेयर स्टाइल के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको चाहिए होंगी बहुत सारा रबर बैंड्स, इस टाइप नॉर्मल जो इलास्टिक बैंड्स आप यूज़ करते हैं. आपको चाहिए होगा एक स्प्रे बॉटल. स्प्रे बॉटल मतलब कि इसमें मैंने पानी भरा है, लाइक वन पार्ट रोज़ वाटर है एंड थ्री पार्ट वाटर है. आप चाहिए तो प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. रोज़ वाटर मैंने इसलिए इसमें थोड़ा डाला है बिकॉज उससे बालों का पीएच बैलेंस रहता है एंड थोड़ी शाइन भी बनी रहती है. बिकॉज जब आप कर्ल करते हैं अपने हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई रफ टेक्सचर हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा रोज़ वाटर यूज़ करेंगे तो थोड़ी शाइन आ जाएगी बालों में. मेन चीज़ जो आपको ज़रूरत होगी ये कर्ल्स बनाने की वो है ये स्ट्रॉ. सो ये नॉर्मल जूस वाले स्ट्रॉज हैं. तो अगर आपके पास स्ट्रॉ अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट, तो आप इनको बनाने के लिए आप पेपर को रोल भी कर सकते हैं. पेपर को रोल करेंगे तो इसी टाइप का शेप मिल जाएगा एंड इवन वो भी थोड़ा बेंडेबल होता है. सो इवन दैट विल वर्क. नहीं तो ये बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज इतना कर्ल का आपका साइज होगा एंड ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी रहता है, तो आपको बालों में उतना ज़्यादा फील नहीं होगा. नेक्स्ट मैंने एक यहाँ पर रैट टेल कॉम्ब लिया है और थोड़े सेक्शनिंग क्लिप्स रखे हैं यहाँ पे, जिससे अगर आपको कहीं होल्ड कराना हो हेयर को तो वो मतलब बाल को होल्ड करने में आसानी होगी. ये ऑप्शनल है, नहीं भी हो तो चलता है बिकॉज मुझे भी शायद ही लग रहा है कि मैं इनको यूज़ करूँगी. सो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी कर्ल्स के लिए. सो सबसे पहली बात है कि जिस डायरेक्शन में आपको हेयर चाहिए, कि जैसे कर्ल्स बनने के बाद बहुत ज़्यादा वो ड्राई होते हैं, तो जिस हिसाब से वो आप बनाएंगे ना उसी डायरेक्शन में वो फॉल करेगा. सो फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको चाहिए कि आपका साइडवेज से आप अगर पार्ट करते हैं तो कर्ल आपके साइडवेज ही फॉल होंगे. अगर आपको चाहिए कि आपका कर्ल सेंटर से आना चाहिए तो आप सेंटर से पार्टीशन कीजिए हेयर का एंड देन कर्ल बनाना शुरू कीजिए. सो मैं सेंटर से नहीं, मैं साइड से करती हूँ. तो मैं अपने हेयर को साइड से पहले पार्ट करूँगी. लदस मैंने साइड से पार्ट किया है तो मेरा कर्ल जो इस साइड बनेंगे तो वो मेरे इसी डायरेक्शन में फॉल करेंगे और जो मेरे इधर होंगे वो मेरे इस डायरेक्शन में फॉल करेंगे. सो अगर आपको चाहिए कि आपके एकदम सेंटर से आपके कर्ल्स दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तो आप सेंटर से पार्ट करके फिर आप कर्ल अपना करना शुरू करें. तो मैंने साइड से पार्ट कर लिया है एंड नाउ अपना आप जितने ही छोटे हेयर के सेक्शन ग्रैब करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे कर्ल्स मिलेंगे. बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े हेयर के सेक्शन उठाए, बहुत बिग बिग चंक्स लिए अगर, तो कर्ल्स उतने अच्छे और क्रिस्प और टाइट नहीं बनेंगे, काफ़ी लूज कर्ल्स होंगे. सो जितना स्ट्रॉ का हमारा साइज़ है यही शेप के आपको कर्ल मिलेंगे, इतना ही डायमीटर के. सो मैं आपको बताऊंगी, मैं बहुत ही छोटे छोटे हेयर के पार्ट पे मैं वर्क करने वाली हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इसी बात का मुझे डर रहता है कि ये हेयर स्टाइल इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि ये मतलब करना तो अपने दो तीन घंटे अपने लाइफ से हटा देना टाइप्स वाली बात होती है. सो शुरू करते हैं. मैंने साइड से हेयर को पार्ट कर लिया है और आप जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे हेयर पे अगर आप वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छे कर्ल्स मिलेंगे. सो यहाँ से बहुत ही टाइनी हेयर का मैंने सेक्शन उठाया है और बिकॉज मेरे हेयर ऑलरेडी ड्राई है वो हम थोड़ा डैम्प करेंगे, इसलिए मैंने ये स्प्रे बॉटल रखा है. इस पूरे हेयर पर हम ऊपर से नीचे तक थोड़ा पानी को स्प्रिट्स करेंगे एंड देन ये थोड़ा डैम्प होने के बाद ये हेयर उठाया हमने. और आपको या तो आप नीचे से शुरू कर सकते हैं रोल करना या आप रूट से शुरू कर सकते हैं. तो ये स्कैल्प के ऊपर रखना है स्ट्रॉ को और फिर ये हेयर को उस स्ट्रॉ के ऊपर आप रैप कीजिए. अब इसमें दो टाइप के कर्ल बन सकते हैं, या तो अपने हेयर को पूरा फ्लैट करके रैप करिए, उससे कि आपको एकदम फ्लैट और एकदम राउंड कर्ल्स मिलेंगे. पहले अगर आपने इस स्ट्रैंड को खुद रोल किया एंड देन रैप किया तो एकदम टाइट एकदम थिन स्ट्रैंड्स वाले आपको कर्ल मिलेंगे. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए मुझे लगता है कि जस्ट ऐसे रैप कर देना ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज इतना सारे आपको स्ट्रॉज अभी यूज़ करने हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. सो इट इज़ बेटर कि मैं थोड़ा रैप करूँ और फिंगर से मैं इसको थोड़ा पुश करती चली जाऊँगी. ऑलराइट, सो पूरा रैप होने के बाद मैं पूरे हेयर के सेक्शन को लेके एकदम
यहां तक पुश कर दूंगी जितना ज्यादा हो सके। इससे क्या है, बहुत ज्यादा टाइट कर्ल हमें मिलेगा, तो मैंने एकदम पुश करके टाइटली हेयर को इतने एरिया में पूरे हेयर आ गया है। अब ये जो ऊपर का सेक्शन है मैं उसको फोल्ड करूंगी लेदर्स, और इधर का जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको मैं ऐसे करके फोल्ड करूंगी। और जैसे अब आपको एक इलास्टिक बैंड लेना है और इसके ऊपर सिक्योर कर दीजिए, जिससे कि ये अपनी जगह से कहीं आप मूव ना करें। लेके ऐसे करके इसके ऊपर एक और रबर बैंड डाल दिया मैंने। ऑलराइट, सो ये अपनी प्लेस पे लॉक हो गया है, अब ये मूव नहीं करेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ऐसे ही आपको अपने पूरे हेयर को एक जगह बांध देना है। सो नेक्स्ट सेक्शन उठाते हैं। रैंडमली आप अपने फिंगर यूज़ कर सकते हैं, या तो आप एकदम बहुत ही एकदम पार्ट करके लाइक कोम से भी आप यूज़ कर सकते हैं पार्टीशन, नहीं तो फिंगर ज़्यादा बेटर। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको थोड़ा डैम्प कर देते हैं। डैम्प होने के बाद और आधा पोर्शन है आपको यहाँ पे बफर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको फोल्ड करना रहता है, इसलिए मैं यहाँ से जस्ट शुरू करूँगी एंड इसको रैप करेंगे। टाइटली रैप करिए, जितना आप टाइटली रैप करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे कर्ल्स मिलेंगे आपको। जब यहाँ पे जगह फिनिश हो जाता है लाइक स्ट्रॉ आपका बचता नहीं, तो आप पूरे हेयर को उठा के थोड़ा और पीछे की तरफ पुश कीजिए एंड जो रिमेनिंग हेयर होता है ना उसको फिर रैप करने में आपको आसानी होगी। एंड फाइनली जब आपके हेयर पूरी तरीके से स्ट्रॉ पर रैप हो जाए, तब आप इंटायरली इसको एकदम बेस तक को पुश करना है एंड देन ये जो बफर छोड़ा है उसको फोल्ड कीजिए, रिमेनिंग स्ट्रॉ को भी फोल्ड कीजिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा और इसको फोल्ड करके एक इलास्टिक बैंड लेकर सिक्योर करेंगे। सो यही टेक्निक आपको पूरे हेयर पे फॉलो करना है। फाइनली सारे स्ट्रॉज मैंने अपने बालों पे लगा दिए हैं। तो 7:20 पे मैंने शुरू किया था लगाना और अभी 8:30 हो रहा है, सो एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया। प्लस अगर आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको ब्लो ड्राई कर सकते हैं एक ही जगह पे। लेकिन जैसे हमने नो हीट कर्ल्स बनाने हैं तो 100% हीटलेस कर्ल होने वाले हैं, सो हम पेशेंस रखेंगे एंड कल तक का वेट करेंगे। सो ओवरनाइट आप छोड़ेंगे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऐसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी। अब आप चाहे तो इसके ऊपर एक शावर कैप पहन सकते हैं अगर आपके फेस पे आए। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज शावर कैप जितना देर में डालती हूँ ना मेरा यहाँ सर दर्द शुरू हो जाता है। सो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, कल इनका रिजल्ट खोल के देखेंगे। सो वेट कीजिए, मुझे 18 आवर्स हो गए हैं इनको लगा के अब। सो अब मैं इसको निकालूंगी और फटाफट हम सच का सामना करें। सो काफ़ी देर तक ऑलरेडी हो चुका है तो डेफिनेटली वो एकदम स्प्रिंग लाइक कर्ल्स आपको मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं इनको खोलना। मैं बाहिन से शुरू करूँगी, वो ज़्यादा ईजी होता है, नहीं तो क्या है फ्रंट में अगर आपके हेयर पहले गिरने लगेंगे तो पीछे वाले हेयर को ना खोलना मुश्किल होगा। तो मैं बिहाइंड से शुरू करके सामने की तरफ आएंगे।
अभी आप इनको सेपरेट करेंगे, ज़्यादा भी सेपरेट लाइक एकदम ब्रश नहीं कर देना, नहीं तो क्या है बहुत ही फ्रिजी और एकदम घोंसला बन जाएगा। सो बस फिंगर से एक में से मैक्स 3 से 4 आप सेपरेशंस कीजिए लदस, और जैसे वो सेपरेट हो रहा है आप उसको ऐसे कर्ल करते जाइए। कौन से डायरेक्शन में है यार ये? ओके राइट। सो मैंने अब सारे अपने कर्ल्स खोल दिए हैं एंड उनको सेपरेट भी कर दिया है। सो अगर आपको लगाने में 1-1.5 घंटा लगता है तो इसको खोलने में भी आपको आराम से 20-25 मिनट लग जाते हैं। सो खोलने के बाद देख सकते हैं ये रिजल्ट, इतने ज़्यादा बाउंसी स्प्रिंगी कर्ल्स मिले हैं आपको। एक्चुअली आपके कर्लर से अच्छे आपको कर्ल्स नो हीट वे में मिल सकते अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें एंड उसमें टाइम दें। सो ये रहे आपके कंगना वाले कर्ल्स, बहुत टाइम लग गया लेकिन आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। सो आई होप यू लाइक द लुक, पास से देख सकते हैं आप कैसे हैं। एंड यही अगर आपने पूरा ब्रश कर देना हेयर और एक एक हेयर का स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए तो वो पूरा ऐसे कलेक्ट होकर मेरे सर पे बैठ जाएगा। सो अभी तो फिर भी थोड़े कमी है, मेरे हेयर लेंथ मेरी ऑलमोस्ट कमर तक है लेकिन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट शोल्डर पे पहुँच गए, इतने ज़्यादा बाउंसी कर्ल्स आपको मिले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने स्क्यूअर से नो हिट कर्ल्स किए हैं। सो आई विल सी यू देयर। ऑल्सो मैं इस टाइप के नो हिट कर्ल्स के वीडियो लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय।